This is a story of an unplanned trip to the jungle. एक अच्छा ट्रिप जाने के लिए नीड अ प्रॉपर प्लान और मेरे पास तो प्रॉपर प्लान ही नहीं था। स्टेप वन, पहले सामान गाड़ी में लोड करो और कहो ये कहाँ पे ऐसे करें। तो अभी बज रहे हैं रात के 2:30 या 1 बजे और सडन से ऐसे ही प्लान हो गया कि हम लोग नागर होले को निकलेंगे, मतलब ये नेशनल रिजर्व पार्क है। सामान तो गाड़ी में लोड हो गया, लेकिन पहले ये चेक करो कि गाड़ी में डीजल है या नहीं। खैर डीजल तो भरवा लिया ना। और सफर में एक या दो ब्रेक ले लो, खैर मैं कहता हूँ ले ही लो। तो हमारे साथ आज डॉक्टर साहब भी है, यहाँ पे मिस्टर सलमान है और यहाँ पे मिस्टर इरफान और हमारे साथ एक और बंदे दुबई से रेहान। और फिर सुबह सीधे 6 बजे जंगल पहुँचे। तो हम लोग अभी यहाँ पे नागरहोले के एंट्रेंस पे खड़े हैं क्योंकि ठीक 6 o'clock द गेट्स ओपन हियर। क्विक अपडेट सब लोगों के लिए, अगर नागरहोले रिजर्व फॉरेस्ट आ रहे हो तो यू कैन कम एट 6 o'clock या 5:30 आके यहाँ पे वेट कर सकते हो और गेट खुल जाएगा। तो बस हम लोग यहाँ पे चिल कर रहे हैं। रास्ते में ढूंढ रहे, मतलब वी आर ट्राइंग टू स्पॉट एनी काइंड ऑफ एनिमल, मतलब डियर तो दिख गए अभी, लेट्स सी आगे कुछ दिखाई देंगे तो ज़रूर कैप्चर करेंगे। अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो तो ज़रूर 6 o'clock आना, गेट जैसे ही खुलता है आपको फर्स्ट एंट्री मिलेगी और आप बहुत सारे जानवर स्पॉट कर सकते हो। अभी तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेट्स सी होप कि कुछ ना कुछ दिख जाए। बस हम लोग ने अभी बेयर स्पॉट किया है यहाँ पे, ब्लैक बेयर, इफ यू कैन सी। और हाँ, बारिश का मौसम है तो याद से अच्छे शूज पहन के, नहीं तो हालत कुछ ऐसी हो जाएगी। अभी हम लोग ना बस कोशिश कर रहे हैं कि कोई रूम मिल जाए यहाँ पे। नज़ारा तो बहुत ब्यूटीफुल है और बारिश बहुत पड़ के है यहाँ पे, तो हमें जगह तो बिल्कुल नहीं मिल रही है बिकॉज ऑफ द यू नो वायरस। थोड़े लोग प्रिकॉशंस लेके नहीं दे रहे हैं और थोड़े लोग बोल रहे हैं कि फुल है। अभी बात ये हो गई है, हम लोग कूर्ग साउथ आ गए हैं और हमें जाना है मेन कूर्ग, मतलब नॉर्थ कूर्ग को जाना है, वहाँ पे रूम्स मिल जाएंगे, लेकिन उसको जाने के लिए और 2 घंटे लगेंगे और हम ऑलरेडी थक चुके हैं और हमसे नहीं हो पा रहा है। हम लोग सोच रहे थे कि रोड पे ही सो जाएंगे बस। देखो ये जो रास्ता है यहाँ पे, ये रास्ता कम्प्लीटली जा चुका है तो गाड़ी भी थोड़ा स्किड हो रही थी तो इसलिए हमने यहाँ पे रुका दिया और पता चला कि जो स्टे है वो कोई और तरफ ही है। इसके टायर्स देख लो, बिल्कुल बट
कम है। और अभी भी हम नहा धोकर बस यहाँ की साइट सीइंग, मतलब यहाँ पे जो फेमस प्लेसेस हैं वो देखने जा रहे थे, लेकिन वैसे ही हो रहा है, बारिश पड़ रही है और रुक रही है, बारिश पड़ रही है और रुक रही है। और अगर यहाँ की वाइब्स चाहिए तो ये गाना इज नॉट कमिंग। हम लोग अभी कम्प्लीटली ऑफ रोडिंग आ चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ के नज़ारे जंगल ही जंगल है यहाँ पे। पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, यहाँ के लोकल जो हमें कहीं लेके जा रहे हैं बाहर में। आप लोगों ने तो स्कॉटलैंड देखा होगा, लेकिन हमारा कर्नाटका का स्कॉटलैंड टूर गए, और यहाँ के सीन्स और गेम्स कुछ अलग ही लेवल में। हम लोग यहाँ पे स्ट्रीम के पास चिल कर रहे हैं और बस यहाँ के मज़े ले रहे हैं। दिस इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेसेस, बट इतनी सीक्रेट जगह है कि किसी को पता नहीं है यहाँ पे। वी हैड सम लोकल फ्रेंड्स ओवर हियर हु गाइडेड अस टुवर्ड्स दिस प्लेस, और अगर कूर गाना है तो ये गलती मत करना, याद से सारे रेनकोट या रेन गियर लेके आना, बिकॉज हमारी जो हालत हुई है यहाँ पे, पैर और सब कुछ चीकड़ में जा चुके हैं। और क्या, बस यहाँ के मज़े ले रहे हैं। वहाँ पे फॉल्स भी है, लेकिन यहाँ कैमरे में दिखाई भी नहीं देगा। Body, man. Look at his body.